हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है उदास सर। मैं हूं बशीर। तो गाइस, हमारी हंसी बता रही है, हर्ष राजपूत का वीडियो आ गया और इलेक्शन रिजल्ट पे आया। इलेक्शन रिजल्ट नाम है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं यार, लास्ट इलेक्शन कुछ टाइम पहले भी इलेक्शन की वीडियो थी, बहुत हंसा आया था। वो जो नेता जी को तो आगे देखते हैं, कौन करते हैं रिटर्न एड स्टार्ट। कोची की अजीज को धर ले नमस्कार ढाका न्यूज के ताजा तरीन एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे हैं, जो गंड कोबरा जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पे हैं, और जो वोटिंग का जो आखिरी चरण है उसका यहाँ पे वोटिंग चल रहा है। तो अभी यहाँ पे देखिए, ऐसे तो बहुत आटू झाटू खड़ा है, लेकिन प्रमुख रूप से तीन लोग हैं। सबसे पहले जो है बब्बन बलमुआ, जो कि बैगन छाप से खड़े हैं और इस क्षेत्र के वर्तमान सांसद भी हैं। दूसरा सतीश सक्कर जी हैं, जो बेलन छाप से हैं। तीसरा गैब्रियल कुमार हैं, जो कि हथौड़ा छाप से हैं। तो यही तीन प्रमुख हैं, बाकी आटू झाटू तो है ही। तो आइए देखिए, जो लोग हैं, बड़ा धूप है जी, तो इसमें खड़े हैं, तो देखते हैं कि लोग जो पोलिंग में हैं उनकी क्या राय है। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी? बब्बन बलमुआ जीतेंगे, और इस पर बैगन छाप पर वोट डालकर सब धुआं धुआं कर देंगे। बब्बन बलमुआ सर नाम आएंगे, सतीश सक्कर ही आएंगे, क्योंकि कोई काम किया नहीं, बेरोजगारी सिर्फ बढ़ा है, कोई काम नहीं बढ़ा है। बब्बन बलमुआ फाइनल है, 5 साल संसद में रहे, क्या किए? एक काम बताओ क्या काम किया? तो मैं नहीं दिख रहा है। कैमरे के सामने बहस मत करो, लड़ो, मारो बहनचोद, मारो एक दूसरे को, मारो बहनचोद। ये देखिए ये लोकतंत्र बचाएंगे, इनकी माँ का जो देखो घर में साला गांड फटल है, आटा नहीं है, बाप का साला अंड को उसका ऑपरेशन नहीं हुआ है, और ये लोग साला यहाँ पे नेता को अपना बाप बना के बैठे हैं। ये तो हालत है इनका। ये देखिए, आइए, यहाँ पे लोग भी हैं, बड़ा धूप में यहाँ पे खड़े, बड़े परेशान हो रहे, तो उनसे भी जानेंगे कि हेलो भाई साहब, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार यहाँ से? ये जो जीतेगा जीतना चाहिए, जो हार रहा है उसको हारना चाहिए। तो अरे आप किसको जिताइएगा? बलमुआ जी के। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बलमुआ जी यहाँ पे ऑलरेडी 5 साल से सांसद हैं, तो ऐसा क्या काम कर दिया है पिछले 5 सालों में कि आपको लगता है कि उनको जिताना चाहिए? सबके 2 बोतल दिया है, हमको 3 बोतल दिए हैं। तो तुम साला दारू पर वोट बेच देगा जी? अब देखिए, हो ही गया है ये सब, और नेताजी बोले भी हैं कि पूरा गांव के वोट दिलाओ, 5 साल तक तुमको दारू का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो तुम वोट दिलाएगा? हम जी जान लगा देंगे सबका वोट दिलाने के लिए। इधर आओ जी, मौका आदमी है, देखो अपना जो लोकतंत्र का जो हथियार होता है, जो वोट, एक वोट, उसको दारू पर ही साला बेच दे रहा है। तो इधर के लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण है, तो यहाँ पे महिलाएं भी हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि किसको वोट देंगी वो। तो आइए इनसे थोड़ी सी हम बात करते हैं, आप किसको दीजिएगा? हम अपने पति को। अरे वोटिंग का बात कर रहे हैं दीदी, का एकदम वही चलता है आदमी के दिमाग में है, महिला का क्या बात करें, इनके दिमाग में नहीं होता है यार। एक व्यक्ति और है, इनसे हम बात करते हैं कि अब बताइए भाई साहब कि यहाँ वोट देने आए हैं आप? जी। तो वोट देने कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से स्पेशली वोट देने आए हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम एग्जाम की तैयारी करते हैं। एग्जाम की तैयारी करते हैं और दिल्ली से आए हैं आप, तो बताइए कि प्रमुख मुद्दा क्या है यहाँ पे? यहाँ का प्रमुख मुद्दा क्या? प्रमुख मुद्दा है कि शादी नहीं हो रहा है। किसका शादी नहीं हो रहा है? हमारा शादी नहीं हुआ है अभी तक। शादी का क्यों नहीं हुआ है आपका? 4 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी कैंसिल हो रहा है, इसी चक्कर में अगुआ भी नहीं आ रहा है। अब बताइए, इस बेरोजगार से कौन शादी करेगा? बहुत दिक्कत है। तो ये बताइए कि अगर कोई नेता वादा करता है आपसे कि उसको वोट दीजिएगा तो आपकी शादी करवा देगा, तो दीजिएगा वोट? एकदम वोट देंगे, और 2-4 को बच्चा पैदा करेंगे, उन्हों से वोट दिलवाएंगे। बड़ा देखिए इसकी बातों में दर्द है, इस तरह का बच्चा आपका हो कामना है। अरे कुछ वहाँ पे गड़बड़ हो गया जी, कुछ यहाँ पे देखिए गड़बड़ सा दिख रहा है। क्या हुआ चाचा, वोट दे दिए? घंटा दिया, वोट देने लायक छोड़ा है कहाँ साला? कुछ ही कुछ हुआ, जाकर देखिए ना अंदर, वोट देने लायक छोड़ा नहीं है। कहना की वोट देने लायक यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है जी, क्या हो गया? हक दिया सर। कहाँ हक दिया? ईवीएम पर हक दिया सर। ईवीएम पर हक दिया? आइए देखिए, बड़ा ये कोची क्या है जी, इसको धर ले। साला कोची क्या है जी, हाँ एक बटन छोड़ के बब्बन बलमुआ का सब बटनों पर हक दिया है यहाँ पे, साला नोटा को भी नहीं छोड़ा है, नोटा वाले बटन को भी नहीं छोड़ा है। आपने सुना तो होगा कि बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए वोटिंग बूथ पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन यहाँ पे गार्ड का इस्तेमाल करते हुए वोटिंग को एक तरफा किया गया है। साला कोची किया जी, काहे हगा इस पे, काहे हगा ईवीएम पर? देखिए हम जैसे ही अंदर आए, हमको गो गो करके लाइटिंग लगा, और इतना तेज लगा कैसा लगा पॉइंटे में हो जाएगा, और कंट्रोल नहीं हुआ तो हो गया। अरे साले, तो तुम ईवीएम पर हक देगा? अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि बलमुआ जी का वोटिंग बढ़ाना है, तो यही तुम्हारा स्ट्रेटेजी था वोटिंग बढ़ाने का? और यहाँ का जो अभी सांसद है बब्बन बलमुआ, जिसके लिए वो आदमी ऐसा काम किया है, तो अभी चलेंगे उस सांसद से भी मिलेंगे, पूछेंगे कि भाई जो कहे कर रहा है तुम्हारा जो समर्थक है,
कौची जाओगे वहां लेसर आ जाएगा अंग्रेजी साला वोट दो में। इस तरह का जगह घटना किया, इतना आदमी जो भीड़ पे यहाँ पे खड़ा है वोट देने के लिए, इस तरह का घिनौना काम कर दिया है। अब इस पे क्या बोले हम, चलिए इस पे चल के सांसद जी से भी बात करेंगे। तो अच्छा क्या कर रहे हो जी फोन में तुम? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करके पैसा कमा रहे हो? तो देखो एक मस्त चीज बताते हैं जिससे पैसा कमाओगे, जिसका नाम है प्रोबो। प्रोबो क्या है? देखो प्रोबो, देखो इंडिया का जो है पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, जिसमें तुम बस यस या नो में ओपिनियन देके बड़े सारे प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, जैसे अभी आईपीएल हुआ था तो हमने अपना ओपिनियन दिया था और हमें हुआ था लाखों का फायदा। प्रोबो पर देखो कई तरह की कैटेगरी है, जैसे कि क्रिप्टो है, फाइनेंस है, एंटरटेनमेंट है और भी बहुत सारी, और 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने ओपिनियन देके पैसे कमाए हैं। अभी देखो जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो ये देखो हम तुमको दिखा रहे हैं कि ये देखो क्वेश्चन आया है कि क्या इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतेगा। बिल्कुल जीतेगा तो इसमें यस कर देते हैं और क्वांटिटी स्लाइडर से बढ़ाकर इन्वेस्टमेंट जवाब देते हैं। अगर जवाब सही हुआ तो जीतेंगे हम रियल कैश, और जो भी पैसे तुमने यहाँ पे जीते हैं ना बड़े आसानी से अपने गूगल पे, फोन पे, यूपीआई में विड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे 24/7। ठीक है, और मैच के दौरान भी अलग अलग सवालों पे ट्रेड करके यसियानों में जीत सकते हो ढेर सारे इनाम। ठीक है, तो मेरे द्वारा दिए गए लिंक से जाकर डाउनलोड कीजिए, आपको मिलेगा 25 रुपये का बोनस, डाउनलोड कर लेना जी जाके। और अभी चलो हम चल के देखते हैं कि जो इस तरह से मतलब पहली बार भारत में लोकतंत्र किस तरह से हत्या हुई है कि ईवीएम पर किसी ने हक दिया है। तो हम चल के देखेंगे जो सांसद जी हैं उनसे बात करेंगे कि इस तरह का क्या आपका समर्थन कर रहा है। बने रहिए आप धाका न्यूज़ पर, धर्मेंद्र धाकर। चलो जी भगकर मी है क्रिप्टो। जो हक दिया था जी जिसको जिताने के लिए सांसद बब्बन बलमुआ, हम उसी के जो लोकेशन है वहां पे आ गए। देखिए झुग्गी जैसा एरिया है और यहां पे जनसंपर्क अभियान करने आया है आचार संहिता में, मतलब कि चुनाव जीतने के बाद जनता के बहनचोद लड़ नहीं कुछ वैल्यू देता, अभी जनता के जूजी पर भी लटक जाएगा इन लोग। तो आइए यहां पे थोड़े से इनसे बात करेंगे, बाइट लेंगे। देखिए कार्यकर्ता वगैरह है, इनसे बात करेंगे यहां पे। तो लाइव देख रहे हैं आप ढाका में। हेलो भाई, यहाँ पे आप कार्यकर्ता हैं? हाँ। तो अच्छा हम देखिए ढाका न्यूज पर लाइव इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो अभी सांसद जी हैं दोबारा से जीत जाएंगे? नेताजी को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, नेताजी फिर से आएंगे, सारा जनता उनको वोट देने के लिए तैयार बैठी है। जी, तो इनका कहना सर जनता तैयार बैठी, तो ये बताइए कि मतलब जनता का फटा हुआ फिर भी इनको वोट देंगे? पूरा कार्यकर्ता सपोर्ट में है जी। जी जी, पूरा कार्यकर्ता का यहाँ पे सपोर्ट है। ये देखिए इनका चुनाव चिन्ह है 3 बैगनी उल्टा का पकड़ा जी, देखिए लग रहा है कि ये आण आण लाण वाला ही है, इसको सीधा पकड़ा साला, चुनाव चिन्ह उल्टा पकड़ लिया। अच्छा बताइए कि जो पार्टी है जो 3 बैगन वाली, क्या है आपका पद क्या है इसमें? हम युवा नेता है भाई, जो कौन गांडू गांडू से बात कर लीजिए, अभी सर युवा नेता से बात करने लग रहा है। तो देखिए जी जो नेता जी इनसे हम बात कर रहे हैं बाइट लेके इंटरव्यू, इनका इंटरव्यू जो देने पर इंटरव्यू नहीं हमें कहीं दौरे पे, अरे गाड़ी 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 में ले लेंगे, गाड़ी में आइए आइए। देखिए जो जो नेता जी है इनका इंटरव्यू देखिए, लेके हम गाड़ी में ले लेंगे इंटरव्यू। अरे भाई साहब यहाँ कैमरा मैन मेरा बैठ जाएगा, इधर आई तो आओ जी, आओ बैठो बैठो यहाँ पे, देखिए आइए आओ जी, आओ बैठो बैठो। ये देखिए यहाँ पे, देखिए भारी जन समर्थन यहाँ पे है लोगों का, तो यहाँ पे इनसे हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे इनसे हम बात करेंगे। देखिए बहुत ही जन समर्थन भी है इनका, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें थोड़ा सा समय देने के लिए। आपका एक बाइट हम लेना चाह रहे हैं कि हमारे साथ मौजूद है यहाँ के वर्तमान सांसद जो हैं बब्बन बलमुआ जी हैं। तो अभी हम बूथ पर गए थे, जो अभी पोलिंग बूथ, अभी एक जो फेज में चुनाव चल रहा है, तो एक आपका कार्यकर्ता कहें समर्थक कहें क्या कहें, उसने ना ईवीएम पर हक दिया है, जो कि मतलब और सारे बटनों पर हक दिया है सिर्फ एक आपका बटन छोड़ के, तो लोग जो न भी चाह रहा है आप ही को वोट कर रहा है उस बटन पे, तो इस पे क्या रहा है? इस मामले में हमको नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम आपको? तो व्यक्ति तो कह तो रहा था कि वो आपका मतलब आपको जिताने के लिए इस तरह की हरकत किया है उसने। अब हम थोड़ी बोले हगने के लिए, जनता का प्यार है, क्या कीजिएगा। तो प्यार तो है साथ साथ, मतलब जैसे हमने बात किया पूर्व बूथ पर, तो कुछ लोगों में आक्रोश भी दिखा आपके खिलाफ, 5 साल का जो आपका कार्यकाल रहा है उससे काफी लोग मतलब सेटिस्फाई नहीं है, तो उस पर क्या विचार है आपका? कुछ गुस्सा भी दिखा है लोगों में? नहीं नहीं, काम तो हुआ है, बहुत काम हुआ है, गुस्सा नहीं है, थोड़ी नाराजगी है। अच्छा अच्छा, तो नाराजगी है गुस्सा नहीं है। अच्छा नेताजी अभी जैसे आप अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अभी रोड शो है। अभी रोड शो है, तो अभी आचार संहिता लागू है और आचार संहिता में आप रोड शो कर रहे हैं? अचार तो खाली हम आम का ही खाते हैं। अच्छा अच्छा नेताजी, एक बात हमें बताई कि लोगों से बात करने पर एक समस्या का पता चला है कि जो लोग मतलब आ रहे हैं, जो ट्रेन में आ रहे हैं दिल्ली मुंबई से भी वोट देने आ रहे हैं, तो उनको सीट नहीं मिल पा रहा है, बहुत मारा मारी चल रहा है, उस पर क्या विचार है? अरे इतना आदमी दिल्ली जा ही क्यों रहा है, यहीं रहें कमाएँ खाएँ, हमें बुद्धि नहीं था, हम दिल्ली जा सकते थे लेकिन हम यहीं रहे ना अपनी जनता के बीच में। अच्छा अच्छा,
तो मतलब जाने का नहीं, लेकिन उधर से जो आ भी रहा है ना, जैसे हम भी आए तो हमको सीट नहीं मिला, हम जनरल से आए हैं, मतलब इतना सा जगह मिला, आधा गांड रख के आए हैं, आधा हवा में था, अभी तक आधा गांड सुने मेरा, तो बहुत दिक्कत हो रही है जनता को ट्रेन से मतलब आने जाने में। देखिए संघर्ष तो जीवन में करना ही पड़ता है ना, संघर्ष बिना कुछ मिलता है क्या? तो देखिए संघर्ष करना है, ट्रेन नहीं बढ़ाना है, लेकिन आप लोग संघर्ष करिए, ट्रेन की संख्या नहीं बढ़ाया जाएगा, और आप लोग मतलब जाबे मत कीजिए, दिल्ली बम्बई कहाँ जाते हैं, नहीं जाइएगा ना, भीड़ रहेगा है, तो ये इनका सोल्यूशन है। तो एक और विकट समस्या जो हमको लगा, हमने जो छात्रों से बातचीत किया कि बहुत मेहनत करता है छात्र और पढ़ाई का एग्ज़ाम का तैयारी करता है बहुत मेहनत से, लेकिन एंड टाइम पे पेपर लीक हो जाता है, सीट बिक जाता है, जिसका पैसा है वो पैसा दे के नौकरी ले लेता है, और जो गरीब छात्र है जो तैयारी कर रहा है उसको नौकरी नहीं मिल पाता है। बहुत गलत बात है, युवा हमारे देश का भविष्य है, और ये पेपर लीक जो होता है ये बहुत गलत होता है, हम जीतने के बाद ये सब रुकवा देंगे आप। हाँ जी, तो इनका कहना है कि जीतने के बाद रुकवा देंगे, और पेपर लीक और इस तरह की घटना जो नहीं होना चाहिए हमारे युवाओं के साथ। तो इनसे हम एक और सवाल पूछेंगे कि जो जैसे पेपर लीक है तो पूरा तरीके से आप रुकवा देंगे, इसमें सक्षम हैं आप? देखिए इनसे हम थोड़ी सी बाइट करके जानेंगे कि क्या है इस पर। आप तैयारी कीजिए, हम पहुंचने वाले हैं बस। कि महाराज जी PCS 66 परीक्षा 2024 का जो एग्जाम अभी एक महीना बाद होने वाला है उसका पेपर लेके लेके बैठे हैं महाराज, ये आप कोचिंग नहीं करोगेगा? फोटोकॉपी छात्र के साला भविष्य ये फोटोकॉपी है रे, गाल के नीचे साला पेपर लेके बैठा है, अरे बहनचोद इतना मरवा दे रे, नेताजी को हार्ट अटैक आ गया जी, हार्ट अटैक आ गया, भागो बहनचोद, अरे पर मुंडा हो साला गार तर पेपर लेके बैठा पहन चुकी है, यानी ना लीक कर रहा था माइक, तो आप लोग देखते रहिए ढाका न्यूज बने रहिए धर्म दर्शक के। बरबटा मुझको भी कहता है देख रहे हैं तो अबे उसको सही सही पेपर उधर पड़ गया, रख के मार रही है पेपर भी लीक कर रहे हैं, सही गुस्से में था भाई सर, रख रख के दिए और रख रहा आवाज में कहता मेरी शादी नहीं हो रही, उस कहता मैं बच्चों को भी, अबे एक को जो कहते एक ने कहते वो अंदर का कहते क्या हुआ, पहले बाबा पहले बाबा जी निकले, अबे ये क्या हो रहा सर पीटा हक दिए, वो कहता हक दिया, फिर वो हंसा किस तरह है भाई गंजाला, फिर गंजे में रख के मारी, एक से पूछता किसको दिए पति को, अरे वोट की बात यार, शुरू में एक दूसरे को बोल रहे थे तो आपस से शुरू में लड़ रहे थे, वोट छोड़ा वो बैंकर का निशान का भी निशान, जो उसका दिखा भी निशान, तो मतलब जो चुनाव पत्र होता है जो भी निशान नहीं होता है वो कैसा था यार भाई, मजा आ गया। और भी वीडियो चाहिए तो बताना, बहुत ज्यादा कारण होता है।